بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعدد أنواته أوضاعه الواصفين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا عبد القاسم محمد وعن السيدين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد والقول والنهى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليطهرك عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پیغمبر اسلام کی جوتی روند تھی،
लेकिन पैगंबर इस्लाम आर्श पर भी गए, फर्श के अल्लाह पर भी आ गए, दरूद पढ़ने में मोहम्मद हुआ। पैगंबर इस्लाम आर्श पर भी गए और फर्श के अल्लाह पर भी आ गए। दोबारा जुमला रिपीट करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम आर्श पर भी गए और फर्श के अल्लाह पर भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जहां रसूल नालायन पहन कर जाए उसे अर्श कहते हैं, जहां नालायन उतार कर है उसे फर्श के अल्लाह कहते हैं। जहां पैगंबर इस्लाम नालायन पहन कर उसे अर्श कहते हैं, जहां नाले निकाल कर आजाद है। देखिए अल्लाह ने हमें इतना माला माल किया कि हमें फरिश्तों में जगह दे दी। देखिए आपके आने से पहले यहाँ फरिश्तों का नजूल होता है, आपके आने से पहले यहाँ पर अइमा मज़ूमी की सवारी आती है, आपके आने से पहले यहाँ पर नबियों की सवारी आती है। समझ लीजिएगा, आपके आने से पहले जहाँ पर रसूलों की सवारी आती, आपके आने से पहले जहाँ पर फरिश्तों का नज़ूल होता है, आपके आने से पहले यहाँ पर फरिश्तों का नज़ूल होता है, लेकिन दुनिया का हर जी और इंसान यही तमन्ना करता है कि अल्लाह हमें इतना पसंद कर दे, इतना पसंद कर दे कि वो हमें फरिश्तों में बिठा दे। लेकिन फरिश्ते तमन्ना करते हैं कि अल्लाह इतना पसंद कर दे कि अल्लाह ये सारी इबादतें वक्त की मोहताज हैं।
की बात जो वक्त की मोहताज नहीं, वक्त है जिक्र का मोहताज है। शरीयत मुहम्मदी में जो इबादत पे लौट की जाए उसकी जजाई नमाज करो इबादत, रोजा रखो इबादत, हज करो इबादत, जकात दो, ये सारी बातें हैं। जब आप ये सारी बातें करते हैं कि जहन में कुछ लालच होती है या नहीं होती? नमाज जैसी इबादत करते हैं जहन में कुछ लालच होती है, रोजे जैसी इबादत करते हैं जहन में कुछ लालच होती है, आप हज करते हैं जहन में कुछ लालच होती है, जकात देते हैं जहन में कुछ लालच होती है, वो लालच है क्या? आपकी लालच यही होती है कि नमाज कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिल जाए, रोजा कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिल जाए, हज कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिल जाए, जकात कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिल जाए। दुनिया की सारी बातें लेकिन जब आप यहाँ हज के अदा पर आते हैं आपके जहन में ख्याल मुनसर नहीं होता, आपके जहन में ख्याल जन्नत नहीं होता, आपके जहन में इसी किस्म की लालच भी नहीं होती, आप बेलौस होते जिक्र अहले बैत में आते हैं, लेकिन जब आप हज के अदा पे आके चले जाते हैं ना, उस बीवी का गलम ये कहता है कि तू खाली हाथ ना जा, कोई फल लेता जा, शफात लेता जा। ये तो उस बीवी का करम क्या है? तू मेरे बेटे के जिक्र पे आया वो भी बेलोस हो, शफात लेता जा, कौसर पीता जा, जन्नत लेता जा। देखे दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इंग्लिश ना हो, जहां इंग्लिश की रसाई ना हो, जहां शैतान की पहुंच ना हो। कोई एक जगह आप मुझे बता दें जहां इंग्लिश ना हो। हम मुझे कहेंगे कि मुसल्ला, देखिए मुसल्ले में भी इंग्लिश आते, वो कहते दलील देने लगा। देखिए उसकी दलील क्या है? बेटा आप मुसल्ले पर जाते हैं तो आपका जहन नमाज की तरफ होता है, लेकिन आपका जहन कहाँ होता है? जिक्र में होते हैं, नमाज में मसरूफ होते हैं, लेकिन जहन आपका ख्याल आवाज की तरफ होता है। आपका जहन आपका ख्याल कारोबार की तरफ होता है, बिजनेस की तरफ होता है। जब मुसल्ले पर आते हैं देखें ये इब्लीस की रसाई है, इब्लीस की पहुंच है कि वो आपके जहन को मनमशहर करता है, वो आपके जहन को बहकाता है, वो आपके जहन को फटकाता है। ये इब्लीस की रसाई। लेकिन जब आप मुसल्ले चले जाते हैं फिर आप देखेंगे जी के मुसल्ले के जो शैतान के आप काफी ज्यादा इबादत करेंगे। जब आप खाना काबा पहुंचे तो अल्लाह के नाम पे लगेगी तीन शैतानों को कंकरियां मारो। पहले इन तीन शैतानों को कंकरियां है, इसका मालूम कि वहां खाने काबा के शैतान मौजूद है। फिर आप परेशान हो, हर जगह पे इंग्लिश पहुंच जाता है, फिर हम इबादत करेंगे? देखे मक्का हो या मदीना, वहां में इंग्लिश, वहां में इंग्लिश। खाना काबा हो या घर का मुसल्ला, वहां पर भी इंग्लिश, वहां पर भी इंग्लिश। इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ता, खाना काबा में इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ता, मुसल्ले में इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ता। आप मुझे आपका जहन ये कहता है ना कि कोई ऐसा मकान हो जहां पर इंग्लिश की रसाई ना हो, इंग्लिश की पहुंच ना हो। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि शैतान है क्या? शैतान की हकीकत क्या है? शैतान की हैसियत क्या है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि यहां पर शैतान आ जाता है? जहां पर आपका जहन की नैप हो, जहां पर आपका जहन मुंतशिर हो, जहां पर आपका जहन बहक जाए, जहां पर आपका जहन भटक जाए, आप समझ जाते हैं कि इब्लीस मुझे है, जहां पर इब्लीस मुझे है,
भाई रोते क्यों? अब क्यों रोते, क्यों रोते? अभी मैं आ रहा था, मुझे क्यों कर सकती सब सोने के लिए, उन्होंने कहा कि कल एक आदमी है, उन्होंने बहस की कि आप रोते क्यों? ठीक है, कुरान से दलील दे दूं मैं आपको। कुरान में की 12:6 छठे पारे की पहली आयत, ला युहिब्बुल्लाह जहरा बिसूए मिनल हक इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मैं कुछ यानी मैं ऊंची आवाज को हाई हाई करने को वावेला करने को पसंद नहीं करता, इल्ला मन ज़ुलिम जहां मजलूम है वहां रोया जाए। तवज्जो की जगह छठा पारा है, आप यकीन आए तो चले जाने के बाद कुरान मजीद मिंबर पे ला भी सकते हैं या बैठक पे ला सकते हैं कि कानी का बाप ने गलत तरीके दी है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, या तो मजलूम करबला दो मजलूम न समझो, अगर नहीं समझोगे मजलूम नहीं समझोगे तो मुझे अपना ईमान बताओ, अपना अकीदा बताओ, अपना दीन बताओ, अपना मजहब बताओ, अपना इस्लाम बताओ। अगर मजलूम को समझते हो तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मजलूम पे रोया जा सकता है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि मजलूम पे रोया जा सकता है। ग्रामीण कल कुरान में भी 7:12 7:12 की पहली आयत, इनको देखो ये हाथ को इनकी आंखों से आंसू टपक टपक के बह रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब इनको देख लीजिए, इनकी आंखों से आंसू टपक टपक के बह रहे हैं। और अल्लाह ये भी इरशाद फरमाते हैं मिम्म आरफ मिनल हक, और ये हक को पहचान पहचान के उन्होंने रखे हैं। अल्लाह किसके साथ? अल हक व अली व अली मा हाँ, अली के साथ है और अली हक के साथ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली के बेटे हैं। इससे क्या साफ है दुआ कुरानी दलाइल से, ये साफ है दुआ के मजलूम पे दिया किया जा सकता है। एक और दलील है तारीख इस्लाम, जरूर पढ़ लें मोहम्मद।